उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री हमारी चैनल की तरफ से सभी हमारे दर्शक मित्रों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, स्वस्थ रहे और आप जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी भगवान शिव से आज प्रार्थना है। चलिए हम जानते हैं क्या है महाशिवरात्रि का पर्व का महत्व और किस तरह से भगवान शिव की करेंगे आराधना। तो दर्शक मित्रों, पहले हम भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्योतोते खवे, नमस्ते बाहुभ्यामुदते नमो नमः, नमस्ते जातु शिवतन घोरा पापकासनी दयानस्तन वासचा कभी। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज के दिन का महिमा। ओम महाशिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि तो हर महीने में आती है मित्रों, लेकिन आज का जो पर्व है वो महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि पर्व जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है। जब त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों का मिश्रण होता है, दोनों एक साथ मतलब एक में जुड़ती हैं, निशित होती हैं, वैसी विष्टि होती है, वैसी स्थिति में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 8 मार्च को मनाया जाने वाला है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी होगी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव वगैरह नाद गूंज रहे होंगे। चारों तरफ शंख डमरू त्रिशूल बजाए जा रहे होंगे। चारों तरफ लोग एक अनेक आनंद और उत्साह में दिखाई देंगे। भगवान शिव जो हैं वो हर हर महादेव हैं, इसका मतलब है जगत का कल्याण, यानी भगवान शिव। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जिसने हलाहल पी लिया, हलाहल पिया और अपने कंठ में धारण किया, ऐसे भगवान नीलकंठ, आज उनका ज्योतिर्पुंज के उत्पत्ति का दिन है। कहीं कहीं इनके ब्याह का दिन भी इसे कहते हैं। लेकिन यह ज्योतिर्पुंज उत्पन्न क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, सृष्टि की रचना और सृष्टि की स्थिति निवारणार्थम, स्थिति को बनाए रखने के लिए, सृष्टि का संरक्षण करने के लिए भगवान शिव का यह ज्योतिर्पुंज उत्पन्न हुआ था। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने इनके प्रार्थना की, देवताओं ने स्तुति की कि भगवान शिव कोई शक्ति की जरूरत है, तो भगवान शिव ने यह जो जिनका ज्योतिर्पुंज उत्पन्न हुआ वही है आज का शिवलिंग का यानी शिवरात्रि का महिमा। ज्योतिर्पुंज के उत्पत्ति का जो समय है, इस बार निशीत काल में ही वह ज्योतिर्पुंज पृथ्वी पर आया था। वह समय था आज के दिन, आज जो समय आएगा यानी 8 तारीख को जो समय है, वह समय है 12:26 से रात में 12:26 से लेकर 1:56 तक। यह पीरियड जो होगा वही निशीत काल का पीरियड है। उसी समय भगवान का ज्योतिर्पुंज आता है। 4 प्रहर की पूजा का इसमें विधान है, जो शाम को प्रदोष काल से पूजा शुरू होती है, रात 9:00, फिर 12:00, इसके बाद 4:00, इस तरह से पूजा का क्रम है, उसका समय होता है। 4 प्रहर की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चार की चीज है जो तुम्हें प्राप्त करनी है, तो यह 4 प्रहर की पूजा जरूरी है। वैसे धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष, क्योंकि हमें अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए और काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। यह चारों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शिव की 4 प्रहर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव जो है वो खुद कल्याण है। शिव की प्राप्ति, जैसे मान लीजिए भगवान शिव को पूजा कैसे करना, तो शिव की पूजा करने के लिए पहले उनको पाद्य अर्घ्य आचमन दो, गणपति की स्तुति करो, गणेश जी का पूजन करो, इसके बाद माता की पूजन करो, माता की आहुति करो, मतलब उनकी पूजन करिए, और इसके बाद आप नवग्रह देवताओं का आवाहन करके पूजन करिए। इसके बाद भगवान शिव का आवाहन पूजन, आवाहन होता नहीं मंदिरों में, लेकिन भगवान शिव के पर, क्योंकि वह अजन्मा देव है,
भगवान शिव कोई जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा देव हैं। और अजन्मा है, अनंत है, अखंड अनंत, अनंत अजाया, आदि अनंत अखंड अजाया, आदि है, अनंत है, अखंड है, अजाया है, ऐसे भगवान शिव हैं। तो शिव के लिए हमें क्या है, उनको पाद्य अर्घ आचमन देकर पूजा, यथा देहे तथा देवे हमारे शास्त्र में लिखा है, तो उसी तरह से अपने पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए पंचामृत का प्रयोग किया जाता है, फिर गन्ने के रस का प्रयोग किया जाता है, दूध का प्रयोग होता है, हर एक रीत से अलग अलग पूजा की जाती है। लेकिन उसमें मेन पाठ किसका होता है, तो रुद्राष्टाध्याय का पाठ, शिव महिमनम स्तोत्र का पाठ, या वेद के 8 अध्याय जो रुद्राष्टाध्याय हो उसका, या तो फिर रुद्र सूक्त का पाठ करके भी अभिषेक किया जाता है। तांडव स्तोत्र का भी पाठ होता है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र से भी पाठ कर सकते हो, और शिव महिमनम से भी कर सकते हो, और शिव के जितने स्तोत्र हैं सबसे कर सकते हो, मृत्युंजय स्तोत्र है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हो, मृत्युंजय मंत्र से, ओम नमः शिवाय से, आप मंत्र अभिषेक से आप भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। अब हम ये बताने जाएंगे कि भाई इनको शिव को बिल्व पत्र क्यों चढ़ता है। तो शिव को बिल्व पत्र इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान शिव ने जब हलाहल लिया, हलाहल का पान किया, तो हलाहल पान करने से उनके अंदर गर्मी बढ़ गई, तो जो गर्मी बढ़ी तो उसको ठंडा करने के लिए बिल्व एक प्रकार की औषधि है, वह औषधि देवताओं ने भगवान शिव को प्रदान किया, और वही ठंडक के कारण भगवान शिव बिल्व को पसंद करते हैं। दूसरी कहानियाँ बहुत हैं, उसके बारे में कभी बताएंगे, लेकिन ये मेन कारण ये है, इसको जो साइंटिफिक रीज़न यह है। दूसरी बात, ऐसा वीर कौन हो सकता है, ऐसा कौन हो सकता है जो सृष्टि की रचना के लिए खुद हलाहल को पी लें। तो जब हलाहल पीते हैं तो अपने आप योगी ही थे ना, भगवान शिव योगेश्वर थे, उन्होंने योग के बल से जहर को कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। पशुपत जो भगवान शिव हैं, वह पशुपतिनाथ में भी अब जाओ तो वहाँ भी भगवान शिव दिखते हैं, हर जगह मानी 12 ज्योतिर्लिंगों की बात होती है। जो शक्ति पुंज निकला उसी शक्ति पुंज के 12 भाग करके भगवान विष्णु ने अलग अलग जगह में इन शक्ति पुंजों की स्थापना करवाई, वही 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। सावन महीने में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का विशेष महत्व है, और अभी शिवरात्रि पर एकाद शिवलिंग का दर्शन अवश्य हमें करना चाहिए, जो सनातनी है उन्हें करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से भगवान शिव की पूरी पूजा कीजिए, और 4 प्रहर पूजा होती है, प्रथम प्रहर में भी वही पूजा होगी, इसके बाद दूसरे प्रहर में, तीसरे और चौथे प्रहर में, चौथे प्रहर में उनकी पूजा करके उनके आरती वगैरह की जाती है। निषेध काल की पूजा का विशेष महिमा रहता है। अब आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लघु रुद्र कर सकते हैं, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करवा सकते हैं, अथवा शिव महिमनम का पाठ करवा सकते हैं, जो आपकी शक्ति हो उस तरह से करिए, नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से जरूर करिए। इनके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जिनसे आपका काम बहुत सरल हो सकता है। जैसे शादी नहीं हो रही है तो लड़के या लड़कियां केसर मिश्रित चंदन से आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय में, आपको ओम नमः शिवाय में नहीं, राम राम जो बिल्व पत्र होता है वहाँ लिखना है ओम नमः शिवाय राम राम, ऐसा लिख के पूरा बिल्व पत्र 108 बार तैयार कर दीजिए, 3 दल होते हैं तीनों में, और वह बिल्व पत्र आप चढ़ाइए। ऐसा 3 या 5 बार चढ़ाने से, 3 या 5 या 11-13 तक चढ़ाएंगे, अवश्य आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। नौकरी के लिए भी आप यही चीज़ कर सकते हैं, और उसमें भावना ये रखनी है, मैं नौकरी मिलनी चाहिए, भगवान शिव को गुड़ चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को जिसका मंगल तकलीफ में है तो वो लोग अपना गुड़ चढ़ा के भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, और मंगल दोष दूर होता है, शादी जल्दी हो जाती है। तो ये सब चीज़ बिल्व पत्र, इसीलिए कहा है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिपाप जन्म संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, भगवान शिव को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और 108 बिल्व पत्र जब चढ़ाओगे तो भगवान शिव क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। कर्ज से मुक्ति के लिए मसूर की दाल आती है, ओम क्लिम नमः शिवाय क्लिम ओम करके आप, अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र से मसूर की दाल भगवान शिव पर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से नित्य प्रति आप करते रहिए,
आपके जल्दी से कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना भगवान शिव का महिमा। इसके बाद भगवान शिव की आरती करना है, आरती करने के बाद भगवान शिव को आरती देना है, खुद आरती लेना है, क्षमा याचना जरूर करना, आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, भगवान शिव को प्रार्थना करके, और ओम नमः पतये हर हर महादेव हर, इस तरह से बोल के भगवान शिव को प्रार्थना प्रणाम करके आप दिन की पूजा पूरी कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना किस तरह से भगवान शिव की करेंगे पूजा और क्या रहेगा महिमा। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।